शाहिद अफरीदी की बात पे मैं आता हूँ। कल उन्होंने विराट कोहली की बड़ी तारीफ की, उसने कहा विराट कोहली ने एक वो हमारा जो शहरोज है मॉन्टेनियर जो है को पेमा से बात की थी 2022 में, उसने वीडियो चैट पर बात की थी और उसमें उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और पाकिस्तान आऊँगा। इस पर शाहिद अफरीदी कल बोले, देखिए ये बहुत बड़ी बात है आसिफ भाई कि एक ऐसा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है जो पूरी दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज है वो इस तरह की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपको पता है किस तरह के ना, भारतीय टीम यहाँ आ रही है और पाकिस्तान तो फिर भी वर्ल्ड कप खेलने वहाँ चला गया, लेकिन वो दो तरफा सीरीज़ के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ सिर्फ हमारा मुकाबला ICC के इवेंट में ही हो रहा है और वो भी किसी न्यूट्रल स्टेडियम में हो रहा है या फिर देखिए अब मसला है, मुझे नहीं लग रहा कि इसका जवाब मैं आगे इंडिया की टीम आगे चल के प्रोग्राम में इसका जवाब हम देंगे कि इंडिया की टीम आ रही है कि नहीं आ रही। बदी के पास एक खबर है बड़ी अच्छी, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बात करेंगे। अभी विराट कोहली साहब ने जो बात की है उसको शाहिद अफरीदी ने कह दिया हाँ यार मैं अच्छी बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर शाहिद अफरीदी उसकी एक खुद लेजेंड है और वो विराट कोहली को कह रहा है और विराट कोहली ने कहा कि मैं पाकिस्तान में खेलना जाके जा रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। विराट कोहली का यहाँ आके खेलता है, चाहे वो PSL का मैच खेले या वो PSL का मैच क्यों खेलेगा विराट, अगर PSL देखिए एक होता है PSL में बुलाया, मेरी बात सुन, शाहिद अफरीदी ने ये बात तो की थी पहले उसको बुला लो भाई, एक सेकंड तो ले, पहले उसको बुला लो बायलैटरल सीरीज के लिए, शाहिद अफरीदी आ जाए बहुत बड़ी बात है। PSL के काम सुन तो ले, शाहिद अफरीदी ने क्या बात की, शाहिद अफरीदी कुछ भी कहे यार PSL में नहीं आता, शाहिद अफरीदी ने ये कहा ना कि PSL का कोई भी मैच खेल ले, कोई भी मैच शाहिद अफरीदी कुछ भी कहे, अगर उसको वहां की इजाजत मिल जाती है तो वहां खेल तो PSL पे। अच्छा जिस दिन मैं बता रहा हूं PSL का मैच, चलो उसको छोड़े, PSL का उसने एक मैच पाकिस्तान में क्यों खेलेगा, PSL का मैच भाई क्या वो नेशनल स्टेडियम में हो तो वो भरेगा नहीं भाई, PSL में एक सेकंड इतने ज्यादा ख्वाब ना देखें, इतना ज्यादा ख्वाब में ना रहे, ये तो बिल्कुल ख्वाब की बातें कर रहा है। या हो सकता है बाबर आजम को बोले भाई तुम IPL का मैच आके खेल लो, हम हालात इतने अच्छे हो जाए बदी, लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि अभी इंडियन टीम के आने का भी जब कोई जवाब देता है ना वो ये कहता है कि गवर्नमेंट की रजामंदी है, गवर्नमेंट की रजामंदी मुझे ही नहीं लगता को है कि गवर्नमेंट को बोर्ड को कोई एतराज नहीं है, एतराज और सिर्फ वो सिर्फ उनकी हुकूमत को है कि वो नहीं आने देती। बोर्ड में कौन है, बोर्ड में उनके इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा उनका वही है, वही मैं कोई कह रहा हूं, जयशाह है, देखो जयशाह सियासी आदमी है क्योंकि सियासी शख्सियत का बेटा है, वो करेगा, हमारे यहाँ जो चेयरमैन है वो भी तो सियासी है, चले हम मैं दूसरी बात नहीं है, यहाँ नहीं बात कर रहे नहीं है, हमारे मोहसिन नकवी साहब सियासी नहीं है, नहीं नहीं सियासी नहीं वो सियासी सियासत का एक होता है, हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल हम आगे बढ़ते हैं, जो हो रहा है भाई देखें, वो अगर यूनियन मिनिस्टर हैं उनके वालिद अमित शाह तो यहाँ भी इंटीरियर मिनिस्टर है हमारा चेयरमैन, क्या टक्कर का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला भाई, बिल्कुल मुकाबला है, मतलब मोहसिन नकवी साहब तो मैं कहता हूँ कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, यहाँ पर जो है वो सब कहते हैं भाई, ये विराट कोहली बात रोहित शर्मा ने भी थोड़े दिनों पहले कहा था कि पाकिस्तान इंडिया में सीरीज होनी चाहिए, सीरीज लाजमी होनी चाहिए, लेट सारे इजाज शेख साहब लेट सारे चाहते हैं, इजाज शेख साहब मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब एक सियासी आदमी, सियासी इन अ सेंस कि उनके पास एक ओहदा है, जिस तरह से जय शाह साहब के वालिद अमित शाह के पास भी एक ओहदा है, तो टक्कर की शख्सियत है दोनों।